हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कड़ी, वो भी सिंपल और इजी तरीके से। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। हम इसको बिना मैरिनेट करे ही बनाएंगे, वो भी कुकर में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था, जिसको मैं चाकू से थोड़ा सा कट मार लेंगे, जिससे कि मसाला बहुत अच्छे से अंदर। उसके बाद मैंने इसके लिए थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 से 3 प्याज और 3 टमाटर इसके मैंने मिक्स कर लिए थे। खड़े मसाले में मैंने लिए हैं 30 पत्ता, 2 मोटी इलायची और 3 से 4 लौंग। सबसे पहले हम जो अदरक लहसुन है उसको हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सिलबट्टे में इसका। तो उसके बाद हम कुकर में 2 कड़छी लगभग तेल डालेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे। उसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे 30 पत्ता हो गया, लौंग और मोटी इलायची। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे जो हमने पीसा था। उसको हम अच्छे से लाल करेंगे, थोड़ा सा तेल में भुनेंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा नमक, जिससे कि जल्दी से लाल हो जाएगा। जैसे ही प्याज हमारा अच्छे से लाल हो जाएगा, उसमें हम धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये भी भुन जाएगा और बहुत अच्छा कलर आता है इसको डालने से पहले। उसके बाद हम इसमें जो हमने 3 टमाटर पीसे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप चाहे तो मिर्ची भी, अगर आप ज़्यादा खाते हैं मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर सीटी दे देंगे मसाले को भी, जिससे जल्दी बन जाएगा। मसाला हमारा बन चुका है, अब हम चिकन में कट लगाए थे उसको इसमें डाल देंगे और लगभग 2 मिनट तक इसको मसाले में ही अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 1 सीटी देंगे और उसके बाद तुरंत घोल लेंगे। उसके बाद आप देखना चिकन कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और बहुत अच्छा कलर आया है इसको, आप देख सकते हैं। लगभग आपका 5 मिनट से ज़्यादा इस चिकन में नहीं लगेगा बनने में। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।